दोस्तों, मैं सुनील कुमार मैथ ज्ञान भाई एस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रिक से कैसे 999 और 9999 इस टाइप के मल्टीप्लाई को हम ट्रिक से कैसे करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आप लास्ट तक देखें, पूरी वीडियो देखें, आपको ज़रूर समझ में आएगा। और लास्ट में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो एग्जांपल से देखते हैं दोस्तों। यहाँ पहला एग्जांपल है, जैसे मुझे 8 को 9 से गुणा करना है। तो इसमें क्या होता है, जिस संख्या से हम गुणा कर रहे हैं, जैसे 9 को हम 8 से गुणा कर रहे हैं, तो 8 से गुणा कर रहे हैं तो 8 में से 1 घटाते हैं तो कितना आता है, 7। अब दोस्तों, हम फिर क्या करते हैं, 9 में से 7 घटाते हैं तो कितना आता है, 2। तो इस प्रकार हमारा 72 आ जाता है, 8 को 9 से गुणा करते हैं। जैसे एक और देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे मैं 7 को 9 से गुणा करता हूँ तो 7 में से क्या करूँगा, 1 घटा दूँगा, कितना आएगा, 6। और फिर 9 में से 6 घटाते हैं तो कितना आता है, 3। तो इस प्रकार ये ट्रिक काम करती है। तो दोस्तों, अब देखते हैं किसी भी संख्या को 99 से कैसे गुणा करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 3, जैसे 42 को हमें 99 से गुणा करना है, तो हम क्या करेंगे, 42 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 41। और अब 99 में से 41 घटाते हैं तो 9 में से 8 गया, 9 में से 1 गया 8, और 9 में से 4 गया 5। तो इस प्रकार हमारा उत्तर आ जाता है 4158। अब एक और देखते हैं एग्जांपल, इसी प्रकार चौथा एग्जांपल, जैसे हमें 8 को 99 से गुणा करना है। तो दोस्तों, ये 99 दो डिजिट की संख्या है और ये 8 है एक डिजिट की। तो इसको हम क्या करेंगे, दो डिजिट की बनाएंगे 8 को, तो यहाँ लगा देंगे एक 0। अब दोस्तों, मैं क्या कह रहा था, 8 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 7। अब और 0 का 0। अब हम क्या करते हैं, 99 में 7 घटाते हैं तो कितना आता है, 9 में 7 घटाया 2, और 9 में से 0 घटाया 9। तो इस प्रकार कितना आ जाता है, 792। अब देखते हैं और एग्जांपल, जैसे चौथा एग्जांपल, 423 को हमें 999 से गुणा करना है, 423 को हमें 999 से गुणा करना है। तो हम क्या करेंगे, 423 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 422। और 422 को 999 में से घटाते हैं, 9 में से 7 2 गया तो 7, 9 में से 2 गया 7, और 9 में से 4 गया 5। इस प्रकार हमारा उत्तर आ जाता है कुछ ही सेकंडों में। अब और देखते हैं एग्जांपल नंबर, ये पांचवा था। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 6। तो एग्जांपल नंबर 6, जैसे 227 को हमें 999 से गुणा करना है, तो हम क्या करेंगे, 227 में से 1 घटाए 226, और 999 से 226 घटाते हैं तो कितना आता है, 3, और 9 में से 2 गया 7, और 7। इस प्रकार ये आ जाता है 226, 773 ये उत्तर। अब हम देखते हैं चार डिजिट के। तो दोस्तों, ये एग्जांपल नंबर है 7। जैसे हमें करना है 464 को 9999 से, तो हम क्या करेंगे, ये 9999 चार डिजिट है और ये इधर वाला है 3 डिजिट, तो हम इसको चार डिजिट बनाते हैं तो क्या करते हैं, इसके एक 0 लगा देते हैं। अब ये 4 डिजिट हो गया। अब 464 में 1 घटाते हैं 463, और 463 0 का 0। अब 9999 में 463 घटाते हैं तो कितना आता है, 6, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 6 गया तो 3, 9 में से 4 गया 5, और 9 में 0 गया 9। तो इस प्रकार हमारा उत्तर आ जाता है ये, एक ही लाइन में और कुछ ही सेकंडों में। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं लास्ट। ये एग्जांपल है 8। इसमें क्या करना है, 2371 को हमें 9999 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करते हैं, 1 घटाते हैं तो 2370, और 2370 को 9999 से घटाएंगे तो 9 में 0 गया 9, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6, और 9 में से 2 गया 7। तो इस प्रकार हमारे उत्तर ये आ जाते हैं, 2370 76 29। तो दोस्तों, अब देता हूँ मैं आपको एक क्वेश्चन, जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे, ताकि पता चले कितना समझ में आया। हाँ, तो दोस्तों, ये है आपका क्वेश्चन, जिसमें क्या करना है आपको, 52 को 999 से गुणा करना है, और ये ट्रिक से करके आप एक ही सेकंड में निकाल सकते हैं, और इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। शुभ दिन।